ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਮਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਬਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪੇਸ਼ ਆ JVS ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜਗਵੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। देखिए, आज हम यहाँ पर मोगा में निहाल सिलवाला ब्लॉक में हम आए हैं, जो कि एक आकांक्षी ब्लॉक है। मोगा आकांक्षी जिला रहा है और निहाल सिंहवाला आकांक्षी ब्लॉक है। तो ऐसे ही पंजाब में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें अमृतसर भी है, जहाँ पर हमारी दो ब्लॉक्स में हमारी बेंचेस हुई हैं। गुरदासपुर है, संगरूर है, और अभी यहाँ पर निहाल सिंहवाला में आज हम आए हैं। तो जिसमें आप कहते हैं कि एस्पिरेशनल ब्लॉक, तो भारत भर में पूरे हम पिछले 1.5 साल से हर आकांक्षी ब्लॉक, जो कि 500 से ज़्यादा है पूरे भारत में, वहाँ पर आयोग जाकर बच्चों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है जो कि बच्चों को मिलनी चाहिए और उनको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए उन आकांक्षी ब्लॉक्स में जाकर हम उन बच्चों को अधिकारियों के द्वारा उनको निर्देशित कर उनको वो उन स्कीम का लाभ ले पाए, या फिर जो उनको नहीं मिल पा रहे, एज सिंपल एज दैट के बच्चों के आधार कार्ड भी नहीं बने हुए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा 3 साल का है और वो विकलांग है, तो कुछ कारणों के चलते हुए तो उसकी फोटो नहीं आ पाती है, या थंब इम्प्रेशंस नहीं आ पाते, या उसके ये जो बनने चाहिए वो ठीक से डेवलप नहीं हुए होते, तो बच्चे का आधार कार्ड भी नहीं बने हुए। तो यहाँ पर इस वक्त हम अभी जब से बैठे हैं, हमारे पास 150 से ज़्यादा कंप्लेंट्स अभी आ चुकी हैं, और उसमें ज़्यादातर कंप्लेंट जो है बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेंटली उनको चैलेंज है, समस्याएं हैं, और यहाँ पर सभी अधिकारी जो है प्रशासन के लोग, आई थिंक उन्होंने भी एक ब्लॉक के अंदर इतने सारे बच्चे एक समय पे मेंटली चैलेंज या फिजिकली चैलेंज बच्चों को जिनको समस्या है नहीं देखा। आप भी यहाँ पर हैं, आप भी प्लीज जरा थोड़ा सा आप देखिएगा, कवर कीजिएगा। और ये सिर्फ एक ब्लॉक है निहाल सिंह वाला। मोगा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उस हिसाब से अगर आप देखो कि कितने ब्लॉक्स हैं आपके यहाँ पर, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो चाइल्ड रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो प्रशासन को भी और अधिकारियों को भी काम करने की काफी आवश्यकता है। दूसरा, निर्देशित किया जा रहा है बच्चों को, यदि यहाँ पर पूरी रिटार्डेशन, अगर उनकी परसेंटेज जो है विकलांगता की ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट के अनुसार उनको पेंशन मिलनी चाहिए, और उनकी डिसेबिलिटी परमानेंट है तो बच्चों को पेंशन भी नहीं मिल रही है, उनके कार्ड भी बन गए हैं, तो उनकी पेंशन आज हमने कुछ बच्चों की स्टार्ट कराई है, आज ही के आज, अभी के अभी त्वरित रूप से कार्रवाई स्टार्ट हुई है। बच्चों को यहाँ पर लाने के लिए, देखिए ऐसा है कि आयोग जो है वो पिछले 10 दिन से, बल्कि उससे पहले और भी पहले,
यहाँ पर प्रशासन के साथ संबंध में है, संपर्क में है कि एडवर्टाइजमेंट किया जाए कि यहाँ पर बेंच होगी, और प्रशासन से हमने अनुरोध किया है कि हर आंगनबाड़ी में, हर प्राइमरी स्कूल में और जगह जगह मोहल्ले, यहाँ पर पहली बात ऐसा है कि 37 से ज़्यादा यहाँ पर गांव है और हर गांव में हर जगह आयोग की तरफ से संदेश भिजवाने का आग्रह किया गया है, मीटिंग्स हुई हैं। ये प्रशासन की ये एक जिसको कहते हैं कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो आप कह रहे हैं कि इसमें ये अरेंजमेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि मौसम भी इस तरीके का है और लोग जितने आने चाहिए उतने नहीं आए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम 400 कंप्लेंट आए और बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास 250 से ज्यादा होंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। सो कौन सी गाँव है, जी मेरे कल दूरी में कार्यक्रम है हमारा, सेम बेंच रहेगी। पिछले हफ्ते अमृतसर में और कपूरथला में बेंचेस हमारे हुई हैं, तो पंजाब में अब तक 3-4-5 ब्लॉक्स में हो चुकी हैं, अगले से अगले हफ्ते 2-3 ब्लॉक्स में और होंगी, गुरदासपुर में होगी और जलंधर में भी होगी। जी हमारे पास प्रस्तुत कीजिए, हमने यहाँ पर बोला कि आप हमारे पास बच्चे लेकर आइए जिन्हों के अधिकार से जिनके वंचित हैं, बच्चे लेकर आइए जो भिक्षावृत्ति में जो संलिप्त है, बच्चे लेकर आइए जो रैक पिकिंग कर रहे हैं, बच्चे लेकर आइए जो कि जो सीरियस अपराध, जिनके माँ बाप जिनकी FIR नहीं कटी है या वो इधर उधर घूम रहे हैं, पॉक्सो के केसेस हैं, चाइल्ड लेबर के केसेस हैं, हमारे पास अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है। और ऐसा नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी चाइल्ड लेबर या चाइल्ड मैरिज या फिर पॉक्सो के केसेस नहीं हुए हैं, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन आयोग के समक्ष कुछ ऐसा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अब आप ये देख लीजिए कि स्वास्थ्य संबंधी अगर इतनी भयानक समस्या है तो बाकी बच्चों से भी संबंधित बहुत सारी समस्याएं होंगी जो कि हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। हमारे यहाँ पर इस वक्त जो है अभी जैसे केस टू केस बेसिस पे, जहाँ पर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, ऑलरेडी उनको पेंशन मिल रही है, सबसे पहले हमारा कोविड में जो बच्चे हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर हमने आयोग ने पोर्टल बनाया है बाल स्वराज, ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड के समय हुई, उनको पेंशन दी जाती है 4,000 रुपए। यहाँ पर हमारे को ऐसे मामले आए जहाँ पे भाई बहनों को 1,500 रुपए उनको पेंशन मिल रही है, उनको ये बताया जा रहा है कि कोविड से नहीं, उनके माता पिता की जो मृत्यु है किसी और कारण से हुई है, लेकिन उनके पास डेथ सर्टिफिकेट में कोविड दिखा रहा है। अब इसके चक्कर में उनको 4 साल पहले उनके माता पिता की डेथ हुई, 1-1.5 साल से उनको पेंशन मिल रही है, वो भी कम, तो वो ये हमारे लिए एक स्पेशल केस है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली इस स्कीम को हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई के इसके आदेश दिए हैं। सो कुछ मैटर्स हैं जिसमें हमारे को सब कुछ बना हुआ है, बच्चे का आधार कार्ड भी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी है, लेकिन पेंशन नहीं बनी है, तो त्वरित रूप से अभी से पेंशन स्टार्ट हो चुकी है उस बच्चे की। तो ऐसे काफी सारे हम काम करने की अभी हमने हमारी ये चेष्टा है और सफलता भी प्राप्त हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ सारे यहाँ पे SDM साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पर DSP साहब बैठे हुए हैं, CMO साहब बैठे हुए हैं, CWC के हेड बैठे हुए हैं, DCPO हैं, दोनों आपके मोगा के भी हैं, यहाँ के भी हैं, और कितने ऑफिशियल्स चाहिए बताइए आप। सभी सभी को हम लोगों ने डायरेक्ट किया है और बैठे हैं तो काम होगा भी। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨੀ ਗਾ।
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨੀ ਲਿਆ ਗਾ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਲਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੋ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਪੱਟੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੋ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ DSSO ਤੋਂ CDPO ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੀਗੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ